بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میتھس گریڈ سکس یونٹ نمبر فور انٹیجرز ناؤ اسٹوڈنٹ وی ہیو آلریڈی لرنڈ اباؤٹ دا ہول نمبرس اینڈ نیچرل نمبرس ان ڈیٹیل ناؤ ان دس یونٹ وی ول لرن اباؤٹ انٹیجرز اسٹوڈنٹ ہم لوگ ہول نمبرس اور نیچرل نمبرس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ہول نمبرس کون سے ہوتے ہیں which start from 0, 1, 2, 3 up to so on, okay? And natural number which start from 1, 2, 3 up to so on, okay? Now, whole number and natural number. हम draw करते हैं इसको Venn diagram में. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे जो कि आपके पास हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. एंड होल नंबर्स में आप देख सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है. तो इसमें हम ज़ीरो डाल देंगे, ओके. नाउ यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं. अब इंटीजर्स कौन से होते हैं, यहाँ पर नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव, यहाँ पर ज़ीरो, ओके. और यहाँ पे इंटीजर्स, इंटीजर्स है सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडेड ज़ीरो. अब इंटीजर्स में हमारे पास सारे पॉजिटिव, नेगेटिव इंक्लूडेड विद ज़ीरो, ये हमारे पास सेट बनता है इंटीजर्स का, ओके. नाउ इंटीजर्स को हम शो करते हैं कैपिटल लेटर जी से. हमारे पास इंटीजर है ज़ीरो, अब आप देख सकते हैं प्लस वन, और इसका नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, माइनस वन. हर पॉजिटिव इंटीजर का एक नेगेटिव इंटीजर होता है माइनस वन. इसी तरह प्लस टू का होगा माइनस टू, प्लस थ्री का होगा माइनस थ्री, अप टू सो ऑन, ओके. आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जीरो मिड में, राइट साइड पे आप लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ओके. और लेफ्ट साइड पे आप नेगेटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, ओके. नाउ राइट साइड पे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हैं प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री अप टू सो ऑन. लेफ्ट साइड पे जो इंटीजर्स हैं माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री अप टू सो ऑन. अब आप देख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ प्लस साइन डालें या ना डालें, नो इशू. फॉर एग्जांपल प्लस वन सेम एज वन, ओके. प्लस वन का भी मतलब वन है और वन का भी मतलब वन है, प्लस साइन डालें या ना डालें. लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स के साथ आपने माइनस वन लाजमी शो करना है, नेगेटिव माइनस वन आपने इसके साथ नेगेटिव साइन लाजमी डालना होता है, ओके. नाउ आपको पता चल गया कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, जी पॉजिटिव से हम इसे शो कर देते हैं. सारे होल नंबर जो ज़ीरो से बड़े हैं, आप देख सकते हैं ये होल नंबर जो ज़ीरो से सारे बड़े हैं ये पॉजिटिव में आते हैं, 1, 2, 3 अप टू सो. ये सारे कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके. सारे नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं, ओके. आप इसको प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री भी लिख सकते हैं अप टू सो. नाउ नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके पास, और ये आपके पास आप नेक्स्ट है नेगेटिव इंटीजर्स. अब नेगेटिव इंटीजर्स में आप इसको जी माइनस से शो करेंगे, सारे होल नंबर जो कि ज़ीरो से लेस हैं. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सारे ग्रेटर वाले आते हैं, यहाँ पे सारे लेस वाले. ज़ीरो से सारे जो लेस हैं वो किस में आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स में, माइनस वन, माइनस टू, ये ग्रेटर और ये लेस हैं, माइनस थ्री अप टू सो ऑन. अब बात करते हैं ज़ीरो की, ज़ीरो तो ज़ीरो इज़ आल्सो एन इंटीजर. ज़ीरो भी आपके पास ये एक इंटीजर है, इसके साथ ना तो हम ज़ीरो के साथ ना पॉजिटिव साइन डालते हैं और ना ही नेगेटिव साइन डालते हैं, ओके. ना प्लस का साइन डालते हैं और ना ही माइनस का साइन डालते हैं, ज़ीरो एज ज़ीरो, ओके स्टूडेंट. नाउ इन रियल लाइफ वी कैन रिलेट इंटीजर्स इन मैनी सिचुएशंस. अब आप देख सकते हैं अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें वहाँ पर भी हम इंटीजर्स का यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ करते हैं, सपोज आप ले लें स्टेयर्स, तो आप स्टेयर्स के मिड पे जाके खड़े हो जाएं तो वो आपका कौन सा स्टेप होगा, ज़ीरो स्टार्टिंग स्टेप. अगर आप उससे अपवर्ड जाते हैं, स्टेयर्स से ऊपर जाते हैं, तो आपके पास क्या होगा, प्लस वन, प्लस टू,
प्लस थ्री। इसी तरह अगर आप स्टेयर से डाउनवर्ड जाते हैं नीचे की तरफ तो आपके पास होगा माइनस वन, माइनस टू एंड माइनस थ्री। ओके, इसी तरह अगर एग्जांपल में ले तो इब्राहिम्स ग्रैंड फादर गेव हिम रुपीज 200 एज पॉकेट मनी, दिस मीन्स इब्राहिम इज एट प्लस 200। अगर आपको कोई मनी दे रहा है इसका मतलब आपके पास एड अप हो रहे हैं, आपके पास इंक्रीज हो रही है मनी की अमाउंट, तो उसको इंटीजर पॉजिटिव के साथ हम शो करेंगे। इसी तरह अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं, ठीक है, आप फर्ज करते हैं आप 700 रुपीज का लोन दे रहे हैं, तो आपके पास मनी कम हो रहे हैं, जा रहे हैं आपसे, तो आप किसको नेगेटिव इंटीजर के साथ शो करेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अ शॉपकीपर बाउट एन आइटम, कोई भी शॉपकीपर है वो एक आइटम बाउट करता है जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो ₹500 है। ओके, नाउ उसी आइटम को वो सेल कर रहा है ₹300 में, तो नाउ शॉपकीपर को क्या हो रहा है, लॉस। कितना लॉस हो रहा है, 200 रुपीज का। कितना लॉस हो रहा है, 200 का। अब उससे 200 रुपीस मनी जो है वो जा रहे हैं, तो हम लॉस को किससे शो करेंगे, नेगेटिव। इसी तरह अगर शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा होता तो हम उसको प्लस इंटीजर से शो करते हैं, साइन से। ओके, क्योंकि उसके पास मनी एड अप हो रही होती है। नाउ एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आपने सर्कल करने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को। ओके, नाउ सी प्लस टू, तो आपने प्लस टू को क्या करना है, सर्कल, क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव साइन है तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्लस टेन, तो आपने प्लस टेन को भी सर्कल करना है क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट है माइनस नाइन, तो आपने माइनस नाइन को सर्कल नहीं करना क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है। इसी तरह आपके बाकी ये जो रिमेनिंग है ये आपके होमवर्क है, इसके पार्ट्स। अब आप देख सकते हैं लास्ट में है टेन, टेन के साथ कोई भी साइन नहीं है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जिसके साथ कोई साइन ना हो इट्स मीन वो पॉजिटिव है, तो प्लस टेन, आप इसको टेन भी लिख सकते हैं और प्लस टेन भी, तो आपने इसको भी सर्कल करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ऑपोजिट इंटीजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनके ऑपोजिट इंटीजर्स लिखने हैं। आप देख सकते हैं माइनस फाइव का ऑपोजिट इंटीजर कौन सा होगा, प्लस फाइव। ओके, नाउ प्लस इलेवन का पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, माइनस इलेवन। इसी तरह आप लास्ट क्वेश्चन नंबर एच देख सकते हैं माइनस एट, तो माइनस एट का ऑपोजिट क्या होगा, प्लस एट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन लिस्ट ऑल द इंटीजर्स विच कम बिटवीन द फॉलोइंग। आपने इंटीजर्स लिखने हैं जो इनके दरमियान में आ रहे हैं। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर ए, माइनस फोर एंड प्लस सिक्स। क्वेश्चन नंबर ए, माइनस फोर एंड प्लस सिक्स, तो आपने माइनस फोर और प्लस सिक्स के बिटवीन के सारे इंटीजर्स लिखने हैं, तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव हमने प्लस सिक्स और नेगेटिव तरफ जाएं तो माइनस फोर, तो इनके बिटवीन आपने सारे इंटीजर्स लिखने हैं। तो मिड में क्या होता है, जीरो, तो पॉजिटिव साइड पे जब हम जाएंगे राइट साइड पे तो प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर एंड लास्ट में प्लस फाइव, ठीक है। और नेगेटिव कहाँ तक जाना है, माइनस फोर और प्लस सिक्स के दरमियान में, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। ये आपके पास सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर ए का, जो कि टीचर्स मैंने लिखे हैं माइनस फोर और प्लस सिक्स के बिटवीन के सारे, तो जीरो मिड में, इस साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स और इस साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जी, माइनस इलेवन एंड प्लस सेवनटीन, तो आपने क्वेश्चन नंबर जी में क्या करना है, माइनस इलेवन एंड प्लस सेवनटीन के बिटवीन के सारे इंटीजर्स लिखने हैं। ओके, नाउ आपने पॉजिटिव 17 और नेगेटिव माइनस 11 के दरमियान इंटीजर्स लिखने हैं, तो मिड में जीरो, इस साइड पे प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स, प्लस सेवन, नेक्स्ट प्लस एट, प्लस नाइन, प्लस टेन, प्लस इलेवन, ओके, प्लस ट्वेल्व, प्लस थर्टीन, प्लस फोर्टीन, प्लस फिफ्टीन, प्लस सिक्सटीन। ओके, ये सारे मैंने टीचर्स लिख दिए। अब इधर आपने नेगेटिव माइनस इलेवन तक, माइनस टेन तक लिखने हैं, इसके बिटवीन में, इसके दरमियान में जितने टीचर्स आ रहे हैं हमने वो लिखने, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, अप टू सेवन, आपने ये सारे माइनस टेन तक लिखने हैं।
ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. राइट सिक्स इंटीजर्स विच आर. आपने सिक्स इंटीजर्स लिखने हैं जो कि क्वेश्चन नंबर ए में है, लेस देन प्लस 5. प्लस 5 से आपने छोटे सिक्स इंटीजर्स लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर ए में है लेस, क्वेश्चन नंबर ए स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो ये कौन सा सिंबल है लेस देन का, लेस देन प्लस 5. तो आपने प्लस 5 से लेस सिक्स इंटीजर्स लिखने हैं. तो आप नंबर लाइन में अगर इसको देख सकते हैं, मिड में क्या होता है 0, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 7, यहाँ पे ये रफली सी आप बना लें नंबर लाइन, -1, -2. इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने कौन से ग्रेटर और कौन से लेस वाले लेने हैं नंबर्स. अब आप देख सकते हैं प्लस 5, तो प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स ये है, प्लस 5 आपने इससे लेस के बताने हैं. ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेस देन प्लस 5. तो अगर हम लेस देन की बात करेंगे तो हमने पीछे की तरफ जाना है डाउनवर्ड. ओके, आपने लेफ्ट साइड पे देखनी है. अगर आपने ग्रेटर देन का बताना हो तो आप आगे की तरफ मूव करेंगे राइट साइड पे. तो अब आपने लेस के बताने, तो आप 5 से लेस 6 बताएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इसमें कौन कौन से डिजिट आ जाएंगे, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. इसमें आपको ये सारी नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने बनाई है. ओके, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट एफ, लेस देन इक्वल टू 50. क्वेश्चन नंबर एफ में है लेस देन इक्वल टू 50, तो हमने 50 से छोटे लिखने हैं. तो आप इसके लिए भी नंबर लाइन बना लीजिए, साइड पे पॉजिटिव इंटीजर लिख लें सारे और इस साइड पे नेगेटिव. तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, 50. तो 50 पॉजिटिव है, तो 50 यहाँ पे कहीं आएगा, तो 50 से लेस. अब ये इक्वालिटी किसको शो कर रही है, लेस देन इक्वल टू 50, तो ये इक्वालिटी किसको शो कर रही है कि 50 भी इंक्लूड होगा. ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ लेस देन 5, हमने जस्ट 5 से छोटे बताने, 4, 3, 2, 1, 0, -1. अगर इधर भी इक्वालिटी होती तो हम इधर 5 भी मैंशन करते. ओके, नाउ ये 5 से लेस है. ओके, इसमें 5 मैंशन नहीं करना. अब लेस देन इक्वल टू 50, तो 50 से छोटे 6 इंटीजर्स लिखने हैं. तो हमने लेस के लिए इधर जाना है और इक्वालिटी ये शो करती है, हमने 50 भी मेंशन करना है. ओके, तो 50 से छोटे कौन से होंगे, 49, 48, 47, 46, 45, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. ये हमने 6 इंटीजर्स लिखने हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हमने इंटीजर्स को लिखने हैं फॉर ईच सिचुएशंस. ये हमें सिचुएशंस दी हुई है, इसमें हम इसको इंटीजर फॉर्म में लिखेंगे. अब आप क्वेश्चन नंबर ए में देख सकते हैं एंड अर्निंग ऑफ इज 12,000, कितनी अर्निंग कर रहे हैं वो 12,000. तो हम इसको इंटीजर में कैसे लिखेंगे, प्लस 12,000. ओके, अर्निंग को वो कमा रहा है, ठीक है, उसके बाद अमाउंट एड अप हो रही है, तो इसको हम पॉजिटिव से शो करेंगे. ओके, ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन है. नाउ बी, अ लोन ऑफ रुपीज 700, तो हमें 700 को नेगेटिव साइन के साथ लिखना है क्योंकि लोन वो उधार ले रहे हैं, ठीक है, उसके पास मनी कम हो रहे हैं, तो हम 700 को नेगेटिव साइन से शो करेंगे. इसी तरह नेक्स्ट है अबव और बिलो. अब आप देख सकते हैं 15 डिग्रीज बिलो जीरो, जीरो से बिलो. तो आप देख सकते हैं अगर मिड में जीरो है तो अबव के लिए हम पॉजिटिव डालते हैं और बिलो के लिए नेगेटिव. तो 15 डिग्री के लिए हम लोग क्या डालेंगे, 15 डिग्री के लिए हम लोग इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 15 डिग्री बिलो जीरो. तो 15 डिग्री बिलो है तो इसके साथ नेगेटिव. ओके, नाउ 55 मीटर्स अबव, तो अबव की बात हो रही है, ठीक है, अबव सी लेवल. तो सी लेवल से 50 मीटर अबव, अबव में हम इसको पॉजिटिव साइन के साथ शो करेंगे. ओके, नाउ ये आपके जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं ये जो हाईलाइट हुए हैं, अबव के लिए पॉजिटिव, बिलो के लिए नेगेटिव. इसी तरह लॉस के लिए आप नेगेटिव डालेंगे और प्रॉफिट के लिए पॉजिटिव. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अक्रम बॉट एन एयर कंडीशनर. अक्रम ने एक एयर कंडीशनर खरीदा 65,000 का, उसी को सेल किया 62 का. हमने इसको लॉस और प्रॉफिट में एक्सप्रेस करना है एज एन इंटीजर और इंटीजर के साथ इसको लिखना है. तो अक्रम ने एक एयर कंडीशनर कॉस्ट किया, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 65,000 रुपीज़, 65,000. और उसने वही कंडीशनर सेल किया 62,000 का. तो अब उसको क्या हो रहा है, लॉस. कितना लॉस हो रहा है, लॉस का फार्मूला लगा लें, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस. तो आपके पास 65,000 में से आपने माइनस कर देना 62,000, तो उस शॉपकीपर को क्या हो रहा है, रुपीज़
300 का लॉस, तो आप देख सकते हैं उससे 3000 कम हो रहे हैं उसके पास अमाउंट, ठीक है। तो लॉस को हम किससे शो करेंगे, माइनस। इसी तरह अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो हम उसको प्लस इंटीजर से शो करते हैं। ओके, नाउ रिमेनिंग पार्ट इज योर होमवर्क। अल्लाह हाफिज़।